है, पेज 128, एग्जांपल नंबर 12, और इसका पार्ट 7 है। ये बोर्ड में कई मरतबा आ चुकी हुई है, इंपॉर्टेंट है। इसमें डबल एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस्तेमाल हुई हैं। बस जिसको ये फार्मूला याद है वो सवाल इसको कर लेगा। अच्छा, थोड़ी सी प्लानिंग भी इसमें ये है, आपके पास 1 + cos 2x लिखा हुआ है, cos 2x ऊपर भी नज़र आ रहा है, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो मैं इसको 3 को 4 - 1 लिख रहा हूँ, और -cos 2x ओवर 1 + cos 2x, ये डी एक्स। अच्छा, ये 3 को मैंने 4 - 1 लिखा है, 4 को लिखा रहने दें, माइनस कॉमन ले लें, ये प्लस हो जाएगा 1, और ये +cos 2x ओवर 1 + cos 2x। अच्छा, इस प्लानिंग में ये था 1 + cos 2x मेरे पास ऊपर भी है नीचे भी है। अब मैं इसके दो फ्रैक्शन बनाऊंगा, एक फ्रैक्शन 4 ओवर 1 + cos 2x डी एक्स और माइनस डी एक्स एक के लिए, और ये 1 + cos 2x और 1 + cos 2x डी एक्स। अच्छा, ये तो कैंसिल होके 1 हो गया, इसे अब 1 dx लिख दें या ओनली dx लिख दें, दोनों बातें ठीक है। अब ये आपके पास ये 4, तो इसको बाहर ले जाते हैं 1 ओवर। अब ये 1 + cos 2x, ये डबल एंगल आइडेंटिटी इसको डिस्कस करते हैं, आपको रिमाइंडर देते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं, cos²x - x, हाफ एंगल फार्मूला, या इसे डबल एंगल इधर तरफ आए तो डबल एंगल, ये sin²x आएगा। अच्छा, या 2 cos²x - 1, या 1 - 2 sin²x। cos²x की 3 मुख्तलिफ आइडेंटिटीज में लिखा जा सकता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे हमारे पास है 1 + cos 2x, तो अगर मैं इस 1 को इधर ले आऊँ तो cos 2x + 1 ये होता है जी 2 cos²x। तो 1 + cos x, 1 + cos 2x ये बराबर होगा हमारे पास 2 cos²x, और साथ ऊपर है dx। इसके बाद ये 2 to the 4 2 आ गया, नीचे आ गया आपके पास cos²x dx 1 dx, एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। चलें, अच्छा ये cos² जो है, ये cos जो है रेसिप्रोकल है secant का, secant²x dx, और अब मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ, पट्टा अप्लाई करता हूँ इंटीग्रेशन का। secant² की इंटीग्रेशन जो होती है वो tan x होता है, काम खत्म। अच्छा, ये 1 की इंटीग्रेशन x होती है, इसे यूँ भी समझाया जा सकता है, और ये अपना डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, दोनों कैंसिल होते हैं, x बच जाता है, किसी भी तरीके से समझाया जा सकता है। इसकी जो इंटीग्रेशन है वो x बचेगी, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर है।